रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। Hey foodies, welcome to my channel Cook with SS। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। टेस्टी मिठाई को घर पर बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़ी लौकी को धोकर काट लिया है इस तरीके से, और मैंने इसके बीच का जो पोर्शन होता है बीच वाला, उसे भी निकाल दिया है। अब इन सारे पीसेस को हम ग्रेट करने वाले हैं एक ग्रेटर की हेल्प से। ये देखिए, लौकी को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमें इस लौकी का सारा पानी निकालना है, तो इसके लिए हम इसे हाथों में लेकर इस तरीके से दबाकर निचोड़ेंगे और इसे दूसरे बोल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच घी डालकर गरम कर लेंगे। ऐड करेंगे इसमें ग्रेटेड लौकी और घी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस की आंच को हम धीमी रखेंगे। अब हर 1 से 1.5 मिनट बाद इसे हम चला लेंगे, जिससे ये पैन में चिपके नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप चीनी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 मिनट ढककर पकाना है, जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमें इसे सुखाना है, तो इसके लिए हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए, इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम यूज किया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे हम इसमें 1 कप खोया। इस खोया को मैंने घर पर ही बनाया है। रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे चेक कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे इसका कलर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब एक प्लेट को हम ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। डालेंगे इसमें मिक्सचर और इसे इसमें स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ऊपर से गार्निश करेंगे इसे हम काजू से और बादाम से। थोड़ा सा इसे हम दबा देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
दो घंटे हो चुके हैं, तो अब एक नाइफ की हेल्प से हम इसके पीसेस कर लेंगे इस तरह से। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी लौकी की स्वादिष्ट बर्फी। भी इसे जरूर बनाएं और अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।